लाइट यानी कि प्रकाश, लाइट या प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है, मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। और इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं कि जो लाइट है उसको हम लोग वेव फॉर्म में मान सकते हैं, इट इज अ वेव लाइक दिस। और लाइट जो है हम उसको ये मान सकते हैं कि इट इज अ पार्टिकल नेचर। तो लाइट जो होती है उसमें दो टाइप का नेचर है, दो तरह की उसकी प्रकृति है, हिंदी में बोलते हैं द्वैती प्रकृति, और हम इसको कह सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इट बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। सम ऑफ द फिनोमेना ऑफ लाइट कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग दैट द लाइट इज वेव, एंड सम कैन बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। तो कुछ फिनोमेना, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको हम ये मानते हैं कि तरंग प्रकृति से ही हमको समझा पाएंगे, और कुछ घटनाओं को हम लोग कण प्रकृति से ही समझा सकते हैं। तो जो लाइट है उसमें अगर हम वेव फॉर्म समझ रहे हैं तो एक वेव की जो लेंथ होती है, ये एक वेव हो गया, इस लेंथ को हम वेव लेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, और उसको हम लेमडा से शो करते हैं। और यहाँ से दो इसके जो टॉप पॉइंट्स हैं जिनको बोलते हैं हम क्रस्ट और या फिर श्रृंग, इनके बीच के डिस्टेंस को भी हम लेमडा कह सकते हैं, लेमडा होती है। ऐसी दो लोअर पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट जो हैं जिनको बोलते हैं हम लोग ट्रफ या फिर गर्थ, उनके बीच के डिस्टेंस को भी हम लेमडा कहते हैं। तो लेमडा जो है तरंग की लंबाई है, तरंग दैर्ध्य है। और अगर हम ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं, दोहरी प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो लेमडा में और इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति में और इसकी जो स्पीड है मतलब चाल में, एक रिलेशन हमको याद रखना पड़ता है। इधर जिस स्पीड से वेव जा रही है, लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम सी से शो करते हैं। ये जो वेव या तरंग है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू सी बाय लेमडा से हम लोग पता लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज द वेवलेंथ, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी तरंगें बनती हैं उसको हम बोलते हैं उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, इसका जो यूनिट या मात्रक होता है वो है हर्ट्ज। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमको आ सकता है न्यू सी और लेमडा में, तो आप लोग याद रहेंगे। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और एक चीज याद रखें कि अलग अलग मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है, वो अपन आगे देखेंगे कि स्पीड कैसे बदल रही है, कितनी बदल रही है। अब ये जो लाइट है इसको अगर हम पार्टिकल के फॉर्म में देख रहे हैं तो हम उनको पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन। मतलब लाइट के एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉल्ड फोटॉन, और एक फोटॉन की जो एनर्जी यानी ऊर्जा है E=h𝛎 होती है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी फोटॉन की ऊर्जा या एनर्जी पता लगा सकते हैं। न्यू को अगर हम सी बाय लेमडा लिखते हैं तो E=hc/λ। इस तरह से हम लोग एनर्जी या ऊर्जा पता लगा सकते हैं। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁴ −34 जूल सेकेंड होती है, यह आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी फोटोन की, और फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो वेव्स हैं, जैसे लाइट की हम बात कर रहे हैं तो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो वॉयलेट से लेकर रेड तक है, मतलब वॉयलेट से लेकर रेड तक उसमें 7 कलर्स होते हैं जिनको आप विब ग्योर के नाम से जानते हैं। मतलब वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो वायलेट है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी तरंग जो होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब उसकी तरंग की लंबाई सबसे ज्यादा रहती है। तो जिसकी वेवलेंथ
सबसे कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। आप देखो यहाँ उल्टा रिलेशन है, वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बहुत कम रहेगी। फिर यहां से देखें ऊर्जा के बारे में कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा रहती है। तो हमारे जो सेवन कलर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा होती है वायलेट की, सबसे कम एनर्जी या ऊर्जा रहती है रेड की। एक और बात आप याद रखें कि ये जो येलो कलर की लाइट है इसको हम मीन लाइट रे बोलते हैं, मीन लाइट रे यानी माध्य किरण। तो ये इसका जो वेवलेंथ है वो एवरेज वेवलेंथ रहता है, इसलिए हम इसको मीन लाइट रे या माध्य किरण भी बोल सकते हैं येलो कलर की लाइट को, पीले रंग की लाइट को। तो ये प्रकाश से जुड़ी कुछ बातें हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम होता है उसकी अगर बात करें, तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो हमको आंखों से दिखती नहीं है। जो हमको दिखने वाला स्पेक्ट्रम है वो विवग्योर होता है, वायलेट से लेकर रेड तक। इसके अलावा जो नहीं दिखता है वो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, फिर ये विजिबल लाइट है, इसके बाद इंफ्रारेड है, इसके बाद हर्ट्जियन वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो ये सारी वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स हैं, उसके भाग हैं जो हमको नहीं दिखते। इसको छोड़कर लाइट के कुछ फिनोमेना हम लोग देखते हैं, कुछ घटनाएं जो लाइट में देखने को मिलती हैं, उनमें से जैसे एक घटना है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन को बोलते हैं हम लोग डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश जो होता है अपने रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई रुकावट आती है, तो वो लाइट उस रुकावट से थोड़ी सी मुड़ जाती है, उसके किनारे से मुड़ जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिफ्रेक्शन या विवर्तन। लेकिन लाइट का जो मुड़ना होता है वो बहुत ही स्पेशल केसेस में होता है, मतलब हमको जनरली नजर नहीं आता है लेकिन होता जरूर है। जैसे अगर आप लोग एक कार्डबोर्ड शीट लेते हैं और उस कार्डबोर्ड शीट में एक छोटा सा होल कर देते हैं और यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया है और सामने की दीवार पर आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो लाइट है वो ऐसे दिखेगा, मतलब यहाँ पर जो स्पॉट आपको दिखने वाला है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा जो होल आपने बनाया था उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये होता है कि अपन ये जानते थे कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करती है, सीधी सरल रेखा में चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट यहाँ से मुड़ जाती है थोड़ी सी, और इसी मुड़ने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट या विवर्तन। तो लाइट मुड़कर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर लाइट को नहीं होना चाहिए था, मतलब जहां पर शेडो या छाया होना चाहिए थी वहां पर लाइट पहुंच जाती है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं विवर्तन या डिफ्रेक्शन। नॉर्मली आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विवर्तन हमको कब फील होगा, तो आप लोग याद रखें कि उसके लिए जो ऑब्स्टिकल या जो रुकावट लाइट के रास्ते में आ रही है वो रुकावट बहुत छोटी हो और उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब प्रकाश की जो तरंग दे रहे हैं उसकी कोटि का अगर आकार है, तो उस आकार का अगर कोई ऑब्स्टिकल या रुकावट उसके रास्ते में आएगी तो हमको जो विवर्तन है, डिफ्रेक्शन है, वो 100% देखने को मिलता है। तो ये जो विवर्तन की घटना है, डिफ्रेक्शन की जो फिनोमेना है, ये एक वेव फिनोमेना है, मतलब तरंगों में देखने को मिलता है, पार्टिकल्स में नहीं मिलेगा। दूसरा हम देखने वाले हैं इसी तरह का एक और फिनोमेना है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं हम व्यतिकरण। इसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में लाइट के दो सोर्सेस हैं S1 S2, और दोनों सोर्सेस ऐसे हैं कि उनमें से जो लाइट निकल रही है वो एक ही आवृत्ति की है, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है। इसके अलावा उन लाइट्स का जो कलर है वो मोनोक्रोमेटिक, एक जैसा कलर है, एक ही कलर की लाइट दोनों में से निकल रही है, आवृत्ति भी सेम है। और इसके अलावा इन दोनों सोर्सेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई कलांतर नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये दोनों सोर्सेज को बोलते हैं हम कि ये दोनों जो है कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कला संबद्ध स्रोत हैं। और इनसे जब लाइट निकलती है, और अगर हम इन लाइट ये जो फिनोमेना को एक स्क्रीन पर देखते हैं, यहाँ पर एक पर्दे पर देखते हैं,
तो पर्दे पर हमको ऐसी लाइंस देखने को मिलती हैं। इसमें जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग ब्राइट फ्रिंज, यानी कि डीप फ्रिंज, और जो ये डार्क में जो लाइन बनाई हुई है उसको बोलते हैं हम लोग डार्क फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। तो ये जो घटना है इसमें क्या होता है कि कुछ बिंदुओं पर जो है लाइट की प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जो व्हाइट बना है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लाइंस हैं और जो मैंने डार्क बना दी है वो मिनिमम इंटेंसिटी के लाइट है। तो अगर लाइट वेव्स इस तरह से निकल रही है कि दो सोर्सेज हैं, दोनों जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, मतलब कला संबद्ध स्रोत हैं। कला संबद्ध का मतलब ये कि उनसे निकलने वाली लाइट वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम है, उनका कलर सेम है, और वो दोनों जो हैं उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई कलांतर नहीं है। तो ऐसे वेव्स जब एक साथ एक मीडियम में आगे बढ़ती हैं तो उनमें सुपर पोजिशन हो जाता है, दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं, और उसके रिजल्ट के फॉर्म में हमको इस तरह की फ्रिंज देखने को मिलती है। मतलब कुछ पॉइंट्स पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो इंटरफेरेंस है ये भी एक वेव नेचर है, मतलब तरंग प्रकृति में शामिल है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइट है वो वेव है। इसके बाद है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, अब जब भी कोई लाइट की रे या प्रकाश की किरण हम किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिराते हैं, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है या कोई मिरर या दर्पण हो सकता है, उस पर लाइट टकराती है, ऐसे आ रही है जो लाइट, तो यहाँ से वापस अपने मीडियम में चली जाती है जहाँ से आई थी उसी मीडियम में। और ये जो घटना है इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये यहाँ पर मैंने जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई IR, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण। और इसके नियम बहुत सरल हैं, आप लोग जानते होंगे ये कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि आई और आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन हो ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग विसरित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब भी लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे एक मिरर है उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट किया आपने, प्लेन पॉलिश सरफेस है इसके ऊपर आपने ऐसे लाइट इंसिडेंट की हुई है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो इस तरह से आगे बढ़ती है। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी पैरेलल टू ईच अदर, देन रिफ्लेक्टेड लाइट लाइट रेज विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के समांतर हैं तो रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर रहती हैं। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ऐसा ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, पॉलिश नहीं है उसके ऊपर, तो उस पर अगर आपने पैरेलल लाइट ऐसे इंसिडेंट किया तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। तो आने वाली लाइट रेज तो एक दूसरे के पैरेलल थी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, और
इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये विसरित परावर्तन है, जिसमें लाइट विसरित हो जाती है, फैल जाती है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इस तरह के रिफ्लेक्शन की वजह से हमको चीजें या वस्तुएं साफ नजर आती हैं, उनकी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, सारे डायमेंशंस क्लियर दिखते हैं बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसकी वजह से हम वस्तु इमेजेस यानी प्रतिबिंब देख पाते हैं, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हमको चीजें या वस्तुएं साफ नजर आती हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दो टाइप का रिफ्लेक्शन है। अब इस रिफ्लेक्शन में हम लोग कुछ मिरर्स देखते हैं, कौन कौन से मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो मिरर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण जो है वो हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो रिफ्लेक्टेड सरफेस एकदम प्लेन रहता है, और अगर हम उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और हमको देखना है कि इसकी इमेज या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप लोगों को याद रखना है इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको दो लाइट रेज, दो प्रकाश किरणें जरूर बनाना पड़ेंगी, और दोनों लाइट रेज जहाँ मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो हमने एक लाइट रे जो है इस तरह से इसके ऊपर इंसिडेंट कर दी है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ से इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो गया है और हमको ऐसा लग रहा है कि लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही होगी। एक और लाइट रे हमको बनाना पड़ेगी, एक और आप यहाँ ड्रॉ कर लें ऐसे, और वो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं दोनों, वो एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। जैसे जैसे आप इनकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे, इनके बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब दोनों लाइट रेज इधर कहीं मिलने वाली नहीं है। तो फिर आप इसको पीछे की तरफ ही प्रोड्यूस करेंगे, इधर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और हमको ऐसा लगेगा कि जो लाइट रेज है वो यहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ पर हमको इमेज देखने को मिलेगी। तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा था ए बी, उसका इमेज हमको यहाँ देखने को मिलता है ए डैश बी डैश, और ये जो इमेज आप देख पाएंगे वो मिरर के पीछे दर्पण के अंदर या पीछे देख पाते हैं। इस तरह की इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये एक्चुअली आभासी प्रतिबिंब है। तो ध्यान दें खास तौर से कि जब भी इमेज बनती है उसको बनाने के लिए कम से कम आपको दो लाइट रेज ड्रॉ करना पड़ती है। दोनों लाइट रेज जहां पर भी इंटरसेक्ट करती है, जहां मिलती है, वहां पर इमेज बनता है। अगर ये लाइट रेज रियल में कहीं मिल रही होंगी, सही में अगर इधर बाहर मिल जाती, तो हम बोलते हैं कि भाई ये रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर तो मिल ही नहीं रही है, वो लाइट रेज लग रहा है कि अंदर जाके मिलती है, या यूं कहो कि अंदर से बाहर आ रही है, इमेज हमको पीछे दिखता है। इसको बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। तो प्लेन मिरर जब भी आभासी प्रतिबिंब या जो वर्चुअल इमेज बनाता है, उसमें इमेज की जो हाइट है वो उतनी रहती है जितने के ऑब्जेक्ट की, मतलब सेम साइज की बनती है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पर इमेज भी बनता है, और ऑब्जेक्ट अगर आपने सीधा रखा हुआ है तो इमेज भी आपको सीधी देखने को मिलती है। तो ये प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज हो गया है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसा आता है, जैसे कि आपको दो मिरर दिए हुए हैं और आपसे बोला कि ये दो मिरर प्लेन मिरर्स हैं, इनके बीच में कोई एंगल है थीटा, और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रख दी है, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे वो आपको पता लगाना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप 360 में थीटा से डिवाइड करते हैं, जो भी एंगल था उससे डिवाइड करेंगे। अब ये जो आंसर आएगा वो आपका इवन नंबर या फिर ऑड नंबर आ सकता है, सम संख्या या विषम संख्या कुछ ना कुछ आएगा। अगर ये सम संख्या आता है, अगर इवन नंबर आता है, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि जो संख्या है, जितने इमेज दिखेंगे उनकी संख्या जो है वो आप ऐसे पता लगाएंगे, इस तरह से, इस फॉर्मूले से आप पता लगाएंगे। लेकिन ये तब फॉर्मूला यूज करना है जब इवन नंबर आ रहा हो। जैसे आपसे बोला कि दो हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और आपसे पूछा बताओ आप कितने इमेज बनेंगे, तो आप 60 डिवाइड करेंगे इसमें तो 6 आ जाएगा, और 6 में से आप एक माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बताएंगे कि 5 इमेजेस बन रही हैं। अगर इवन नहीं आता है, ऑड नंबर आता है, मतलब विषम संख्या अगर आ रहा है, तो फिर n इक्वल्स टू 360 बाय थीटा ही आंसर रहता है।
जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 72 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 आ जाता है, और 5 अगर आ रहा है तो आपको n इक्वल्स टू क्या लिखना है, 360 बाय थीटा, यानी कि 5, यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑड वाले केस में भी दो कंडीशंस आ जाती हैं कि आप इसको कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं मतलब अगर आप इसको एंगल बाइसेक्टर पे रख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोणार्धक पे रखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकली प्लेस्ड, मतलब हमने इसको सममित रूप से रखा हुआ है। और अगर आप इसके अलावा कहीं और रख देते हैं तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकली, यानी कि असममित रखा हुआ है। तो ये आंसर आपका तब मिलेगा जब ये आपने एसिमेट्रिकली रखा होगा। एसिमेट्रिकली प्लेस्ड यानी कि असममित रूप से रखा हुआ। लेकिन अगर आपने सममित रखा होगा तो फिर आपका आंसर वही पहले वाला रहेगा, -1 करके। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से आपने रखा हुआ है। और अगर आपसे कुछ बोला नहीं है कि सिमेट्रिकली है कि अनसिमेट्रिकली है, एसिमेट्रिकली है, तो आप सीधे ये वाला आंसर बताएंगे, 360 बाय थीटा। लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब आप एक लाइट रे भेज रहे हैं, दो मिरर हैं, ये पहला वाला मिरर है, ये दूसरा वाला मिरर है ना, तो जो लाइट आपने इंसिडेंट की हुई है वो दूसरे वाले मिरर के पैरेलल है, दूसरे वाला जो आपका दर्पण है उसके समांतर है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, जो परावर्तित प्रकाश किरण है, वो पहले वाले दर्पण के समांतर है। ऐसी कंडीशन है, आपसे पूछा कि भाई एक लाइट, दो मिरर हैं और दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, और जो आने वाली लाइट रे है वो सेकंड मिरर के पैरेलल है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे परावर्तित किरण है वो पहले वाले मिरर के, पहले वाले दर्पण के समांतर है, तो उनके बीच में एंगल कितना है। तो आपको याद रखना है ऐसी कंडीशन में एंगल रहता है 60 डिग्री। दूसरा एक और केस आपसे पूछ सकते हैं कि दो मिरर हैं और जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मतलब आने वाली और जाने वाली जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, आने वाली और जाने वाली। तो आपसे पूछा कि दो मिरर हैं, बताओ उनके बीच में एंगल कितना है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एंगल आपको 90 डिग्री बताना है। तो ये दो केस हैं, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, सॉल्व करने में इसको बहुत टाइम लगता है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में देखते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास में एक कांच का खोखला गोला है, एक ग्लास स्फीयर है लेकिन अंदर से खोखला है, हॉलो है, और हम उस पर अगर बाहर की तरफ से सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, बाहर की तरफ से हमने उस पर चांदी की पॉलिश कर दी है, तो इतना भाग हमको मिल जाता है, और इस भाग को बोलते हैं हम लोग एक गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तीय पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, थोड़ा दबा हुआ है, तो इस दबे हुए मिरर को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। ऐसा जो मिरर बनेगा उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, इसमें ये सेंटर था इसका, तो वैसे यहाँ पर सेंटर बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ऐसे अगर हम इस पर अंदर की तरफ से सिल्वर पॉलिश कर देते हैं और ये पोर्शन काट के अलग कर देते हैं, तो हमको एक और मिरर बन जाता है, मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, तो जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा उठा हुआ रहता है, बल्जिंग सरफेस रहता है, और अवतल दर्पण का सरफेस जो है दबा हुआ, डिप्रेस्ड सरफेस रहता है। ये जो पॉइंट मैंने बताया था सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों के लिए रहता है, सेंटर वही रहेगा जो स्फीयर का सेंटर था। और अगर हम इसका मिड पॉइंट देखें, यहां पर हमको मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल या ध्रुव।
ये जो है पोल या ध्रुव, इसको पी से हम लोग शो करते हैं, ये पी हो गया इसका। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन तीनों पॉइंट से पास होती है, उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो जाती है। सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, उसको हम आर से शो करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इस मिरर के ऊपर कोई पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं, समांतर किरणें अगर हम इसके ऊपर भेजते हैं ऐसे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। यहां पर मिलेंगे नहीं, यहां पर लाइट रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं ऐसे, और हमको ऐसा लगता है कि वो लाइट रेज यहां से आ रही हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, एफ, फोकल लेंथ, उसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। यहां से यहां तक का जो ओपन एरिया सरफेस आपको जो दिख रहा है जिसके थ्रू लाइट अंदर एंटर करती है, इसको बोलते हैं हम लोग द्वारक या एपर्चर। तो ये कुछ स्फेरिकल मिरर के बारे में बातें हो गई हैं। इससे इमेजेस कैसे बनती हैं वो देखने के लिए हमको दो रूल्स याद रखना पड़ते हैं, कुछ रूल्स याद रखना पड़ते हैं एक्चुअली। रूल्स ये हैं कि जब भी आप लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं वो हमेशा फोकस से पास होती है। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि अगर आप लाइट फोकस से भेजते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मतलब एक ही रास्ता है, यहाँ से आगे इधर जाएगी और इधर से भेजेंगे तो इधर चली जाएगी। अगर आप कोई लाइट रे सी से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर भेजते हैं लाइट को, तो वो उसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, उसी रास्ते पर वो उसका परावर्तन हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इमेज बना सकते हैं, और इमेज जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने से कहाँ इमेज बनती है। तो कुछ उसके केसेस हैं वो अपन देख लेते हैं।